हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो क्या होता है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, वो देखते हैं। द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1951। तो 1951 में जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया एज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो पहले ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, ठीक है, जो कि 1951 में लॉन्च हुआ, ठीक है। और इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू डू सो, मतलब जो इंडिया है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया। इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। तो ये क्या, ये प्रोग्राम जो है 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इस प्रोग्राम का पूरा जो जैसे बोल सकते हैं खर्च करना, तो पूरा खर्चा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो इस प्रोग्राम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इन 1977 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसने इस प्रोग्राम को रीडिज़ाइन किया, ठीक है। कैसे कि पहले ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, ठीक है, 1977 में इसको नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 1951 में तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ही लॉन्च हुआ था, जो कि 1977 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो इसका अर्ली डेवलपमेंट देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सेकंड फाइव ईयर प्लान 1956 टू 1961 द क्लिनिकल अप्रोच वाज अडॉप्टेड, लार्ज नंबर ऑफ फैमिली प्लानिंग क्लिनिकल वेयर ओपन, ठीक है। तो जो सेकंड जो फाइव ईयर प्लान था, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक था, उसने क्लिनिकल अप्रोच को अडॉप्ट किया और लार्ज नंबर पर फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स जो हैं वो ओपन हुए। क्योंकि इस प्रोग्राम का मेन जो मोटिव है वो फैमिली प्लानिंग ही है, ठीक है। तो और फैमिली प्लानिंग है और जो क्वालिटी लाइफ है, बेसिक क्वालिटी लाइफ है फैमिली की, वो इम्प्रूव करना, ठीक है। तो और उसके बाद में जो थर्ड ईयर प्लान है, उसके बाद में जो थर्ड फाइव ईयर प्लान है 1961 टू 1966, एम्पैथिक रिकॉग्निशन वाज गिवन टू फैमिली प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद में तो 1960 है द NFWP एंटर्ड ए न्यू टेक्नोलॉजिकल एरा विद इंट्रोडक्शन टू द लिप्स लूप लेटर रिप्लेसमेंट बाय कॉपर्टी। तो 1960 में क्या हुआ कि जो लिप्स लूप है उसकी जगह कॉपर टी ने ले ली, मतलब लिप्स लूप की जगह कॉपर टी यूज़ में होने लगी। उसके बाद उसका लेटर डेवलपमेंट जो है, तो उसका टारगेट बाउंड प्रोग्राम और IUD इंसर्शन एट द रेट ऑफ 20 in 1000 अर्बन एंड 10 in 1000 रूरल। तो IUD का इंसर्शन है वो, उसके जो रेट है वो 1000 में 20 हो गई और रूरल एरियाज में है वहाँ पे, अर्बन एरियाज में 1000 पे 20 और रूरल एरियाज में 1000 पे 10, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन विद मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है, चाइल्ड न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें इन सबको शामिल किया गया, मैटरनल और चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम वेलफेयर को, और इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है, जो कि इसमें शामिल की गई बाद में, ठीक है। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट भी इसमें बाद में इसका डेवलपमेंट हुआ, इसके अंदर शामिल किया गया। उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू डी स्टेबलाइज द पॉपुलेशन एट द लेवल ऑफ सम 130 million बाय द ईयर 2050 AD थ्रू आउट फैमिली प्लान स्मॉल फैमिली नोन। तो जो पॉपुलेशन है उसका लेवल 130
मिलियन तक, मतलब इंडिया के अंदर 130 मिलियन तक ही जो मिलियन तक ही हो भाई, मतलब कब तक हो, 2050 तक हो, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था थ्रू स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। तो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के द्वारा जो स्मॉल जो पॉपुलेशन है स्मॉल, उसकी ग्रोथ को कम किया जाए और जो पॉपुलेशन है उसको 130 मिलियन तक रखा जाए 2050 तक, ठीक है। उसके बाद में इसके एम्स हैं, टू अचीव ए हायर एंड दैट इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द फैमिली ऑफ द पीपल। तो इसका क्या मतलब है कि जो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हायर हो और इम्प्रूव हो, और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो, ठीक है, लाइफ की। उसके बाद में इसके कॉन्सेप्ट, द टर्म फैमिली वेलफेयर इज मच ब्रॉडर इन स्कोप देन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो इस जो फैमिली वेलफेयर जो टर्म है वो फैमिली प्लानिंग से ज़्यादा ब्रॉडर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज बेसिकली रिलेटेड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इट इंक्लूड, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले बोला कि ये जिसका जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर जो जो बेसिकली किससे रिलेटेड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से ये रिलेटेड है, जिसके अंदर कुछ शामिल है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सब हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर है। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है एजुकेशन, उसके बाद में है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लाइंट सेंटर अप्रोच एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट मेजर डिजीज एंड MCH, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड फैमिली प्लानिंग एंड वुमेन वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब कॉन्सेप्ट है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के। उसके बाद में कंपोनेंट ऑफ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो कंपोनेंट्स हैं कुछ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के। तो फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या शामिल है, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज एंड अरेंजिंग द रिसोर्सेज, ठीक है, एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना और रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना। उसके बाद में सेकेंड है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग देना मेडिकल्स एंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ को। उसके बाद थर्ड है सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन देना, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है सप्लाईज एंड सर्विसेज, तो इसमें क्या है, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज कैरीड आउट अंडर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो उसके बाद में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को भी इम्प्रूव करना, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को बढ़ाना और स्कूल हेल्थ को इम्प्रूव करना, ठीक है, स्कूल हेल्थ को भी बढ़ावा देना। नेक्स्ट इसके देखते हैं कि इसके एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के एम्स कुछ डिटेल में देखते हैं, टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली साइज नॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो जो स्मॉल फैमिली नॉर्म है, स्मॉल फैमिली साइज नॉर्म है, उसको अडोप्ट करना और जो ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी एक्सेप्टेंस, ठीक है। सेकेंड है टू अवेयरनेस ऑफ वन और मोर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। थर्ड है इंक्रीज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ है नॉलेज ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन, ठीक है, विच इज़ कंसिडर्ड टू द मोस्ट सेफेस्ट एंड पॉपुलर मेथड ऑफ मॉडर्न फैमिली प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज इन द यूज ऑफ कंडोम्स। उसके बाद में इंक्रीज नॉलेज अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। तो ये सब एम्स हैं और इम्पोर्टेंस है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के, ठीक है। उसके बाद में रोल ऑफ नर्स इन नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो नर्सिंग का क्या रोल है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में। तो नर्सेस एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कैन प्ले ए वाइटल रोल इन द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो और उसके मतलब जो नर्सेस है वो ही जो वाइटल रोल प्ले करती है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में। फैमिली प्लानिंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो जो फैमिली प्लानिंग है वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट है फैमिली वेलफेयर का, एंड द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, और
पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल करती है। फैमिली प्लानिंग इज क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, उसके बाद में है गोल ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आर टू प्रमोट द स्मॉल फैमिली आइडिया टू डिसेमिनेट फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। ensuring that all senior nurses are provided with in service family planning education। ठीक है, तो ये सब है जो और जो सीनियर नर्सेज हैं वो भी जो प्रोवाइड करें इन सर्विस फैमिली प्लानिंग एजुकेशन को प्रोवाइड करें। ठीक है, उसकी वो क्या क्या कर सकती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर इन ट्रेनिंग फैसिलिटीज कैन एंश्योर दैट एन इफेक्टिव एंड अप टू डेट फैमिली प्लानिंग कंपोनेंट इज ए पार्ट ऑफ ऑल नर्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, एंड दैट स्टूडेंट रिसीव क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इन हॉस्पिटल्स द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कैन डेवलप फैमिली प्लानिंग सेमिनार्स एंड डिस्कशन सेशन फॉर द नर्सिंग स्टाफ एंड प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर द नर्सेस टू मोटिवेट कपल्स टुवर्ड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सीनियर नर्सेस हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, तो वो उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली प्लानिंग में कुछ अपना पार्टिसिपेंट देने की। ठीक है, तो वो टीचिंग दे सकती है, नर्सिंग स्टाफ को टीचिंग दे सकती है, कुछ फैमिली प्लानिंग सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करा सकती है, डिस्कशन सेशन भी कर सकती है। ठीक है, और उनको कुछ इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि वो कपल्स को मोटिवेट कर सके थ्रू फैमिली, किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। उसके बाद में नर्सेस वर्किंग इन पीडियाट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल वार्ड आर इन एन आइडियल पोजिशन टू अलर्ट मदर टू द हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रिपीटेड एंड क्लोजली स्पेस्ड प्रेगनेंसीज। ठीक है, उसके बाद मतलब जो नर्सें जो वर्क करती हैं पीडियाट्रिक और गायनोकोलॉजिकल वार्ड में, तो वो क्या कर सकती है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं मदर की, ठीक है, और जो वो भी उसको उसके लिए भी अलर्ट रह सकती हैं। ठीक है, और जो रिपीटेड और क्लोजली स्पेसिंग प्रेगनेंसीज हैं उनके लिए, उनको भी वो देख सकती है। ठीक है, तो उनके लिए भी वो अलर्ट रह सकती है। उसके बाद में दे कैन अरेंज इन शो फैमिली प्लानिंग फिल्म्स टू मदर्स। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग की से रिलेटेड कुछ फिल्म्स है वो मदर को शो कर सकती हैं। ठीक है, डिस्प्ले पोस्टर ऑन वार्ड हॉल्स। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज फैमिली प्लानिंग डिस्कशन ग्रुप्स अमंग द पेशेंट। उसके बाद में है नर्स वर्किंग इन प्रीनेटल पोस्टनेटल क्लिनिक कैन इन्फॉर्म द मदर एज वेल एज द फैक्टर हु फ्रीक्वेंटली अकंपनी देयर वाइफ्स टू क्लिनिक्स अबाउट द एडवांटेज ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, स्कूल नर्सेस कैन फैमिलाइज स्टूडेंट्स विद द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली साइज। चिल्ड्रन कैन समटाइम्स मोटिवेट देयर पेरेंट टू लिमिटेड फैमिली साइज। ठीक है, सो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जनरली प्ले ए मेजर रोल इन डिसेमिनेटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव इंफॉर्मेशन एंड इन प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज। मैनी कम्युनिटी नर्सेस कैन इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड फैमिली एंड वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम। Community nurse who live in the communities where they work can organize community activities in support of family planning। ठीक है, तो इसमें community nurse हैं वो भी अपना participate करें family planning method में। ठीक है, और जो rural areas हैं, rural population हैं, उनको भी
फैमिली प्लानिंग के लिए मोटिवेट करें। तो ये सब है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोग्राम में। तो हमने डिस्कस किया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ओके, थैंक यू।